दोस्तों, क्या आपके फोन पे बिजनेस ऐप में अकाउंट ओपन करते समय आपके सामने कुछ ऐसे तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है? तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करेंगे? जैसे हम यहाँ पर रेटरी पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने बार बार यही प्रॉब्लम आ जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन नहीं हो रहा है फोन पे बिजनेस ऐप में। तो आखिरकार इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वही आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम यहां पर वेरीफाई पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने पर हमारे सामने इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाता है। यहां पर बात देखने को मिलेगा, दिस सर्विस इज करेंटली नॉट अवेलेबल, यानी कि यह सर्विस अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसमें हमारा अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप कैसे ओपन कर पाएंगे, इसके लिए आपको कुछ स्टेप फॉलो करना होगा, उसके बाद आपका अकाउंट यहां पर ओपन हो जाएगा फोन पे बिजनेस ऐप में। जैसे मैंने यहां पर अकाउंट ओपन किया है और मैंने कल ही अभी ओपन किया है, जैसे आपको देखने को मिलेगा, हम आपको दिखा देते हैं। मैंने यहां पर कल ही अकाउंट ओपन किया है और मैंने कैसे ओपन किया है वो आपको बताएंगे। तो जैसे हम यहाँ पर फोन पे बिजनेस ऐप को ओपन करेंगे, जैसे हम इसे ओपन करेंगे अभी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देख सकते हैं पेमेंट एंड क्यूआर कोड विल बी एक्टिवेट इन 2 से 3 डेज, यानी कि मैंने ये कल ही एक्टिवेट किया है और मैंने यहाँ पर ये अकाउंट बनाया हुआ है। तो मैंने कैसे बनाया है वही आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिरकार अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आता है तो आप कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आपको कम से कम इंतजार करना होगा 1 या 2 घंटे का, हो सकता है कि आपका ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाए। अगर बाय चांस आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको जाना होगा ब्राउजर में। ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना होगा फोन पे। हम यहाँ पर टाइप करेंगे फोन पे, उसके बाद बिजनेस। जैसे आप टाइप करेंगे फोन पे बिजनेस, जैसे आप यहां पर टाइप करेंगे फोन पे बिजनेस, और उसके बाद यहां पर आपको टाइप करना है कस्टमर केयर, यहां पर आपको टाइप कर देना है कस्टमर, और उसके बाद सर्विस या केयर नंबर। जैसे आप इतना टाइप कर देंगे आपके सामने यहां पर यह यहां पर पेज आ जाएगा, यहां पर मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट फोन पे का, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आ जाएगा, यहां पर मिलेगा मर्चेंट सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है मर्चेंट सपोर्ट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करिए, नीचे आ जाइए, यहां पर मिलेगा कॉन्टैक्ट अस, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर आपको फोन पे मर्चेंट अकाउंट यानी कि फोन पे बिजनेस अकाउंट के यहां पर कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। तो इन नंबर पर आप, या एक ये है एक ये, इनमें से आप किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो फोनपे के बिजनेस के, फोनपे बिजनेस ऐप के कस्टमर केयर के यहां से कॉन्टैक्ट हो जाएगा और फिर आप उनसे बता दीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो आपको बता देंगे कि आपको कितने बजे या कितने टाइम आपको ओपन करना है, या वो आपको बता देंगे कितने दिन के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, या आप उनसे कह सकते हैं कि हमारा अकाउंट ओपन कर दीजिए, तो हो सकता है कि आपका अकाउंट ओपन कर दें। उन्होंने मेरे को बताया था कि यहां पर आपको 2 घंटे का इंतजार करना है और आपको इतने बजे अपना अकाउंट लॉग इन करना है, या आपको अकाउंट ओपन करना है और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो हमारा अकाउंट यहाँ पर ओपन हो चुका है, तो आपको यहाँ पर इनसे सपोर्ट ले लेना है, यानी कि आपको इनसे कॉन्टैक्ट करना है, फिर आपका यहाँ पर सारा काम बन जाएगा और आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट ओपन कर लीजिए बिल्कुल फ्री। अकाउंट ओपन करने का 100 रुपये का अभी बोनस मिल रहा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख लीजिए कैसे अकाउंट बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो के लिए इतना ही।